नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीति शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है फिरदौस ए कश्मीर। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर की। जी हाँ, वही कश्मीर जिसे पाने के लिए विभाजन के वक्त हजारों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। जी हाँ, वही कश्मीर जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उसी कश्मीर में। फिरदौस ए कश्मीर जमीन पे जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। फिरदौस ए कश्मीर जमीन पे जन्नत का नजारा हमारा रहे। दोस्तों, गुलमर्ग इतना खूबसूरत प्रदेश है कि वहाँ उसकी खूबसूरती की तारीफ की ही नहीं जा सकती। वहाँ आप उसकी खूबसूरती को छूकर या देखकर ही महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम भी चलते हैं सीधे गुलमर्ग। ये श्रीनगर से 56 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर से आकाश छूती पर्वत की चोटियाँ, घने जंगल, जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ औषधि के काम आती हैं। गुलमर्ग की एक तरफ नागा पर्वत तो दूसरी तरफ श्रीनगर पड़ता है। बीच में ये स्थान अपनी खूबसूरती के लिए सैलानियों को अपने पास बुलाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ सैलानियों को दोबारा आने का निमंत्रण देती हैं। गुलमर्ग से एक तंग रास्ता पैदल खिलन मार्ग कोंग डोरी की तरफ जाता है। रास्ते में बहुत सारे पानी के झरने बहते मिलते हैं। पैदल चलते हुए यहाँ से आगे अपर्वत पर्वत की चोटी पार करते हुए आगे अल पत्थर झील में यात्री स्नान कर खुद को धन्य मानते हैं। दोस्तों, गुलमर्ग आने वाले पर्यटक बर्फ के खेलों का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की एक और विशेषता है, वो है गोल्फ क्लब। जी हाँ, दुनिया भर के लोग यहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ का नर्म घास का मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। गुलमर्ग में संसार का सबसे बड़ा हरा भरा गोल्फ मैदान भी है जिसकी सुंदरता अवर्णनीय है। इसकी एक तरफ ऐतिहासिक इमारतें और एक क्लब हाउस भी है जहां पर बैठकर लोग पिकनिक मनाते हैं। यहां पर सैलानियों को एक दिन की शिफ्ट भी दी जाती है और सैलानियों को
इस बात की जानकारी पहले ही दे दी जाती है कि किस गोल्फर की किस दिन पारी है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबंध है। सर्दियों में गुलमार्ग बाहर के देशों से आए नए सैलानियों का आदर सत्कार करता है, जो यहाँ बर्फ का खेल स्कीइंग खेलने आते हैं। इनको स्कीइंग करते हुए टीवी पर भी देखा जा सकता है। यहाँ स्कीइंग खेलने की बहुत अच्छी जगह और बंदोबस्त है। ये अद्भुत खेल है। यहाँ ऊनी कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, सलवार कमीज पहनने के लिए काफी है। मगर सर्दी के बचाव के लिए आपके पास ऊनी कपड़ों का होना जरूरी है। गुलमार्ग में आकाश मार्ग में भागने के लिए भी अच्छी सुविधा है। गोंडोला केबल कार द्वारा आप स्काई रन लगा सकते हैं, जिसकी दूरी 3213 मीटर है। एक क्लब हाउस भी है जहां पर बैठकर लोग पिकनिक मनाते हैं। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी है जिसके बारे में सही कहा जाता है कि यदि दुनिया में कोई स्वर्ग है तो बस यही है, बस यही है। आज के हमारे इस एपिसोड को मुझे यही विराम लगाना होगा। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए दीप्ति शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन्नत का नजारा हमारा रहेगा, ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। बिरदास ये कश्मीर जमीन पे जन्नत का